नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी है डीएलएफ लिमिटेड की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड, और डीएलएफ के फाउंडर्स की, चौधरी रघवेंद्र सिंह जिन्होंने डीएलएफ की शुरुआत की, और कुशल पाल सिंह जिन्होंने डीएलएफ को बैंकरप्ट होने से बचाया, और सिर्फ बचाया ही नहीं बल्कि ऐसा रिवाइव किया कि आज डीएलएफ पूरे भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर है। डीएलएफ की फाउंडिंग, रिवाइवल और फिर भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपर बनने के पीछे की कहानी बहुत ही इनक्रेडिबल है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। डीएलएफ का सारा इतिहास मैं जान पाया हूं डीएलएफ के चेयरमैन और सीईओ केपी सिंह की ऑटोबायोग्राफी व्हाटएवर द ओड्स द इनक्रेडिबल स्टोरी बिहाइंड डीएलएफ से। आइए अब जानते हैं ये रिमार्केबल कहानी। डीएलएफ ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ इट्स फाउंडर्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन। ये बात है 1946 की, जब चौधरी रघुवेंद्र सिंह, जो कि एक सिविल सर्वेंट थे पर अपना खुद का बिजनेस करने का सपना रखते थे, दो कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद नहीं थी, बस अपने सपने और सोच के दम पे उन्होंने एक रियल एस्टेट कंपनी दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस लिमिटेड डीएलएफ शुरू की, जिसका बनाने का उनका विजन था जल्दी ही होने वाले पार्टीशन के बाद दिल्ली में बढ़ने वाले रिफ्यूजीज की पॉपुलेशन के लिए घर बनाना। उन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहले से विजुलाइज किया और पार्टीशन के बाद उस अपॉर्चुनिटी को पूरे तरीके से मटेरियलाइज किया, दिल्ली में 22 अर्बन कॉलोनीज बना के, जिसमें से साउथ एक्सटेंशन, ग्रेटर कैलाश, होज खास, रजौरी गार्डन, मॉडल टाउन और शिवाजी पार्क कुछ ऐसे नाम हैं जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाला हर इंसान जानता है, जो दिल्ली की बहुत प्रोमिनेंट कॉलोनीज है। ये सब कॉलोनीज बनाकर डीएलएफ उस समय दिल्ली का सबसे प्रोमिनेंट बिल्डर बन गया, जिसकी मार्केट में रॉक सॉलिड रेपुटेशन थी और उसकी वजह से बहुत काम भी था। पर ये सब कुछ बदल गया जब 1957 में भारत सरकार ने दिल्ली की फर्दर लैंड डेवलपमेंट का काम एक नई क्रिएट की अथॉरिटी डीडीए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया और प्राइवेट बिल्डर्स को फर्दर लैंड डेवलपमेंट का काम मिलना बंद हो गया। डीएलएफ, जिसका मुख्य काम ही लैंड डेवलपमेंट था, वो गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद इमीडिएटली आउट ऑफ बिजनेस हो गई। तो क्या गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के बाद डीएलएफ का अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं दोस्तों, ये डीएलएफ का अंत नहीं बल्कि एक ऐसी नई शुरुआत थी जो डीएलएफ को इंडिया की लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी बनाएगा। आइए जानते हैं ये कैसे हुआ। डीएलएफ लेगेसी गिवन टू कुशल पाल सिंह। चौधरी रघुवेंद्र सिंह ने डीएलएफ लिमिटेड को रियल एस्टेट के बियॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग लाइन में एक्सपेंड किया और एक अमेरिकन कंपनी से टाई अप करके अमेरिकन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड बनाई, जिसमें डीएलएफ मेजर पार्टनर था। ये कंपनी इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाती थी, जिसकी फैक्ट्री हरियाणा में फरीदाबाद में एस्टेब्लिश की गई। चौधरी रघुवेंद्र सिंह जी का कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने अपने दामाद कुशल पाल सिंह जी को, जो उस समय आर्मी में पोस्टेड थे, उन्हें आर्मी छोड़कर अपना बिजनेस ज्वाइन करने के लिए बोला। उस समय आर्मी बीच में छोड़ना इतना आसान नहीं था, पर क्योंकि बिजनेस चलाने वाला और कोई नहीं था, तो उन्होंने कुछ अरेंजमेंट करके आर्मी बीच में छोड़कर अमेरिकन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड का काम देखना शुरू किया। कुशल पाल सिंह ने उनके डीएलएफ के इस बिजनेस को बिना किसी बिजनेस बैकग्राउंड के होते हुए बहुत अच्छे से संभाला। वो बताते हैं कि कैसे इस बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने में उनके आर्मी बैकग्राउंड ने उन्हें बहुत हेल्प किया। उन्होंने सिर्फ उस कंपनी को अच्छे से चलाया ही नहीं, बल्कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट गवर्नमेंट से बहुत अच्छी लाइजनिंग एस्टेब्लिश की, जिसके कारण वो लोकल इंडस्ट्रियल यूनियन के प्रेसिडेंट भी बने। दोस्तों, यहाँ पे कुशल पाल सिंह केपी सिंह जी के बैकग्राउंड और शुरुआती कहानी को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीएलएफ की शुरुआत तो उनके फादर इन लॉ चौधरी रघुवेंद्र सिंह जी ने की थी, पर डीएलएफ को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाने वाले, उसे इंडिया की लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी बनाने वाले और गुरुग्राम को आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज का हब बनाने वाले मुख्य इंसान वही थे। आइए जानते हैं कुशल पाल सिंह जी की शुरुआती कहानी। अर्ली लाइफ ऑफ केपी सिंह। कुशल पाल सिंह जी का जन्म 15 अगस्त 1931 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक जाट परिवार में हुआ। उनके पिता बुलंदशहर के एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे और माँ होम मेकर थी। उनकी पढ़ाई बुलंदशहर में ही पहले एक मदरसे में और फिर डीएवी स्कूल में हुई। पढ़ाई खत्म करने के बाद उनका मेरठ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, जब उनके दोस्त ने उनको बिना बताए उनकी एप्लीकेशन ग्राउंड इंजीनियरिंग कोर्स के लिए इंग्लैंड में लगा दी और उनकी एप्लीकेशन एयर सर्विस ट्रेनिंग फैसिलिटी इंग्लैंड द्वारा एक्सेप्ट भी कर ली गई। उस समय विदेश में कोई भी कोर्स या पढ़ाई करना बहुत एक्सपेंसिव था, पर उनके पिता ने, जो इस बात से बहुत खुश थे कि उनके बेटे का इंग्लैंड में एडमिशन हो गया है, पैसों का कुछ इंतजाम करके उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। बुलंदशहर से इंग्लैंड पहुंचना उनके लिए एक कल्चरल शॉक था, पर वहां जाकर अपने नेबरहुड में उनकी जान पहचान एक लड़की जूली से हुई, जो वहां की बहुत ही रिप्यूटेड एफ्लुएंट और रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। इंग्लैंड में उनकी लाइफ बहुत सेट हो गई, क्योंकि एक तरफ वो ग्राउंड इंजीनियरिंग का कोर्स करने लगे और दूसरी तरफ जूली के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो गए।
जूली ने उनके जीने के तौर तरीकों को ही बदल दिया और उन्हें एक साधारण जीवन जीने वाले से हाई क्लास सोसाइटी का जीवन जीना सिखाया। अब ऐसा लग रहा था कि वो वहीं रह जाएंगे, क्योंकि लड़की के परिवार वाले भी उनके रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड थे। पर केपी सिंह की डेस्टिनी तो कुछ और ही थी, उनकी डेस्टिनी तो इंडिया में थी। आइए जानते हैं इस डेस्टिनी ने कैसे शेप लिया। लीविंग द सॉफ्ट ऑप्शन एंड चूजिंग द हार्ड वन। इंग्लैंड में रहते हुए उनकी पहचान इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर से हुई, जिसने उन्हें इंग्लैंड में हो रही इंडियन आर्मी में एंट्री के एडमिशन टेस्ट के बारे में बताया। केपी सिंह का हॉर्स राइडिंग में बहुत इंटरेस्ट था और उन आर्मी ऑफिसर को लगता था कि केपी सिंह का भविष्य इंडियन आर्मी की कैवलरी यूनिट में बहुत बढ़िया है। दो वो उस समय आर्मी ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उनकी लाइफ वहाँ अच्छी भली चल रही थी और वो वहीं सेटल होने की सोच रहे थे। पर फिर भी उन जानने वाले इंडियन आर्मी ऑफिसर का रिगार्ड करने के लिए उन्होंने IIM देहरादून का इंटरन एग्जामिनेशन दे दिया। उनका वो एग्जाम पास भी हो गया और उन्हें इंटरव्यू का कॉल आ गया, जो भी उन्हें लंदन में ही देने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। उन्होंने वो इंटरव्यू और पूरा प्रोसेस, जिसमें कई फिजिकल और मेंटल टेस्ट थे, दिया और वो सरप्राइज थे जब उनका इंटरव्यू भी पास हो गया और उन्हें IIM के 8 कोर्स के लिए सिलेक्ट कर लिया गया और उन्हें 1 फरवरी 1950 को IIM देहरादून में रिपोर्ट करना था। अब यहां आई उनके जीवन की सबसे बड़ी दुविधा, जहां उन्हें दो एक्सट्रीम चॉइसेस में से एक चॉइस चूज करनी थी। एक थी सॉफ्ट ऑप्शन, कंफर्टेबल ऑप्शन, इंग्लैंड में ही जूली के साथ सेटल होने की और वहां की कंफर्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड हाई सोसाइटी वाली लाइफ जीने की, और दूसरी थी हार्ड चॉइस, इंडिया वापस जाकर आर्मी ज्वाइन करने की, जो कि पूरी तरह से चैलेंजिंग लाइफ थी। एक ऐसी लाइफ जो बहुत तरीके के चैलेंज उनके लिए लाएगी। उनके लिए डिसीजन बहुत मुश्किल था, पर दोस्तों उन्होंने वो डिसीजन लिया जो बेस बना, जो नींव बना उनका इंडिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर बनने का, गुरुग्राम को एक इंटरनेशनल सिटी बनाने का। उन्होंने अपनी वो कंफर्टेबल लाइफ छोड़कर, अपना पहला प्यार छोड़कर इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का सोचा। DLF टर्न अराउंड एंड मेकिंग ऑफ ए वर्ल्ड क्लास सिटी गुरुग्राम। और फिर IIM देहरादून में कोर्स खत्म करने के बाद, पोस्टिंग मिलने के बाद, जब वो 2-3 जगह पोस्टिंग चेंज कर चुके थे, उनके फादर इन लॉ ने उनके सामने बिजनेस ज्वाइन करने का प्रपोजल रखा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनके फादर इन लॉ को कोई बेटा नहीं था, तो उन्होंने उनके फादर इन लॉ, जो DLF ग्रुप का रियल एस्टेट के बिजनेस को छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आ चुके थे, के द्वारा एस्टेब्लिश की गई कंपनी अमेरिकन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक इंडिया लिमिटेड को संभालना शुरू किया। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से संभाला और लोकल ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट में अच्छी रेपो बनाकर लोकल इंडस्ट्रियल यूनियन के प्रेसिडेंट भी बने। इस कंपनी को संभालने के बाद उन्होंने फिर एक अमेरिकन पार्टनरशिप के साथ इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई, जो प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल रहा। और उस प्रोजेक्ट की असफलता ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो सही लाइन में काम कर भी रहे हैं या नहीं। उस समय उन्होंने बाकी सब काम छोड़कर DLF के शुरुआती बिजनेस, रियल एस्टेट के बिजनेस को दोबारा एस्टेब्लिश करने की सोची। अब क्योंकि दिल्ली की डेवलपमेंट का सारा दारोमदार सरकार ने ले लिया था, तो उन्होंने दिल्ली छोड़कर दिल्ली के साथ लगने वाले सैटेलाइट टाउन गुरुग्राम की तरफ रुख किया और गुरुग्राम को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना देखा। जिस समय उन्होंने ये सपना देखा था, उस समय गुरुग्राम में कुछ भी नहीं था, न हाई राइज अपार्टमेंट्स, न स्वैंकी ऑफिसेस और न ही ग्लिट्जी मॉल। तो आइए जानते हैं केपी सिंह जी का योगदान गुड़गांव को, जो आज गुरुग्राम है, एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में। उस समय पूरे भारत में किसी भी रियल एस्टेट डेवलपर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता था, जो आज भी है, फार्मर से लैंड एक्वायर करने का। पर केपी सिंह जी बताते हैं कि कैसे उस समय उनका आर्मी का बैकग्राउंड और एक बुलंदशहर के सामान्य जाट परिवार से होने का बैकग्राउंड बहुत काम आया, जहां उन्होंने कोई भी जोर जबरदस्ती या गलत तरीके से नहीं, बल्कि हर किसान के घर जाकर उससे पर्सनली मिलकर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके हर किसान को उनकी जमीन एक बड़ी टाउनशिप बनाने के लिए देने के लिए कन्विंस किया और फिर एक अच्छा कंपनसेशन देकर उस जमीन को एक्वायर किया। ये बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि DLF टाउनशिप बनाने के लिए जितनी जगह वो एक्वायर करना चाहते थे, वो जगह उन्हें 500 से 700 फार्मर से अलग अलग बातचीत कर एक्वायर करनी थी। पर उन्होंने हर केस को इंडिविजुअल लेवल पे परस्यू करते हुए सक्सेसफुली वो लैंड एक्वायर की। अब लैंड एक्वायर करना तो पूरे प्रोसेस का एक छोटा सा काम था, उस पर टाउनशिप बनाने के लिए बहुत से गवर्नमेंट लाइसेंसेज और परमिशन लेना एक हरकुलियन टास्क था, जिसमें हर जगह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से स्टेट गवर्नमेंट तक अच्छी लाइजनिंग स्किल होना बहुत जरूरी था। दो उनकी लाइजनिंग स्किल बहुत जबरदस्त थी, पर फिर भी उन्होंने कई तरह की पॉलिटिकल राइवलरी, ब्यूरोक्रेटिक राइवलरी का शिकार होना पड़ा। और उनका DLF टाउनशिप बनाने का सपना इतनी आसानी से नहीं, बल्कि बहुत ही मुश्किलों से सच हुआ। पर आखिर में उन्होंने गुरुग्राम में
डीएलएफ टाउनशिप जो आज डीएलएफ फेज 1 से 5 तक जाती है वो एस्टेब्लिश की और उसके बाद बहुत से और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाए। इसके बाद उनके द्वारा एक और काम किया गया जिसने गुरुग्राम को, गुड़गांव को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन दिया और आने वाले समय में गुरुग्राम को एक आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज का पूरे भारत का सबसे बड़ा हब बनाया। आइए देखते हैं वो योगदान क्या था। ब्रिंगिंग इंडियाज फर्स्ट बीपीओ टू गुरुग्राम एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अपने पिछले बिजनेस एक्सपीरियंस के कारण उनकी मुलाकात अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ जैक वेल्स से हुई। उन्होंने उस समय की सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलकर जैक वेल्स को जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के बैकएंड ऑपरेशंस को इंडिया में आउटसोर्स करके इंडिया का पहला बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ गुरुग्राम में एस्टेब्लिश करने का प्रपोजल दिया। शुरू में जैक वेल्स उनके और गवर्नमेंट के इस प्रपोजल को लेकर सीरियस नहीं थे, पर कुछ वर्किंग के बाद उन्होंने गुरुग्राम में बीपीओ खोलने का प्लान कर लिया और फिर उन्होंने गुरुग्राम में इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री का पहला बीपीओ खोला, जिसके बाद तो ऑलमोस्ट सभी आईटी कंपनी ने अपने ऑफिसेज गुरुग्राम में बनाए, जिसमें से ज्यादातर ऑफिसेज डीएलएफ द्वारा डेवलप की गई साइबर सिटी में ही हैं। और आज आईटी ही नहीं, किसी भी विदेशी कंपनी के अपने इंडियन हेडक्वार्टर्स एस्टेब्लिश करने की फेवरेट जगह गुरुग्राम ही है। और ऑलरेडी गुरुग्राम में 500 फॉर्च्यून कंपनीज में से 250 फॉर्च्यून कंपनीज के ऑफिसेज हैं। इस ऑफिस रेवोल्यूशन और हाई राइज बिल्डिंग में वर्ल्ड क्लास रहने की सुविधा की शुरुआत गुरुग्राम से हुई, जिसे फिर दूसरे बिल्डर्स ने गुरुग्राम में नहीं पूरे इंडिया में रेप्लिकेट किया। तो दोस्तों, ये थी डीएलएफ ग्रुप की शुरुआत से गुरुग्राम और इंडिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट ग्रुप बनने की कहानी। अगर आप डीएलएफ ग्रुप और केपी सिंह की कहानी और डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये बुक जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आज ही खरीदें। इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप और कौन से इंडियन बिजनेसमैन की सफलता की कहानी जानना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और बहुत सी और मोटिवेशनल स्टोरीज, केस स्टडीज और इंस्पायरिंग आइडियाज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ताकि हर नए वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। फिर लौटूंगा एक और अमेजिंग कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।